मेरी यही बात समझ नहीं आ रही थी कि ये सब कैसे हो रहा था। टाइपराइटर पर जो भी टाइप होता था वो सब सच कैसे हो जाता था। पर उस रात जब मैं अनुराग के कमरे में गई तो इस राज पर से भी पर्दा उठ गया। अगले ही पल आंसू की बूंद के अंदर हलचल होनी शुरू हो जाती है। युग को सब कुछ धुंधला नजर आने लग जाता है। जब कुछ देर बाद आंसू की बूंद के अंदर हलचल कम होती है, युग को सब कुछ क्लियर नजर आने लग जाता है। वो देखता है कि चित्रा बड़े ही गुस्से में अपने कदम ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर आगे बढ़ा रही थी। उसके सिर पर चोट लगी हुई थी और वहां पर खून जम चुका था। चित्रा अपने कदम आगे बढ़ाते हुए खुद से गुस्से के साथ कहती है, अनुराग ने आज काला साया बनकर मेरे बेटे युग पर हमला किया है। उसके गले पर चाकू रखा है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, जला दूंगी उसकी सारी कहानियों को। यक्षिणी की कहानी लिखना चाहता है न वो, मैं भी देखती हूँ कैसे लिखता है वो यक्षिणी की कहानी। यही सब बड़बड़ाते हुए चित्रा अपने कदम ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर आगे बढ़ाते जा रही थी। चित्रा कहीं और नहीं बल्कि अनुराग के कमरे रूम नंबर 666 की तरफ जा रही थी। जैसे जैसे चित्रा अपने कदम बढ़ाते जा रही थी, उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा था। चित्रा रूम नंबर 666 की तरफ अपने कदम बढ़ा ही रही थी कि तभी उसे टाइपराइटर के बटनों के दबने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। चित्रा टाइपराइटर की आवाज को सुनते हुए खुद से कहती है, ये क्या, अनुराग अभी भी जग रहा है? ये तो नॉर्मली 4:30 बजे तक तो कहानी लिखकर सो जाया करता है, अब तो 5 बजने वाले हैं, ये अभी तक सोया नहीं क्या आज? चित्रा फैसला लेते हुए खुद से कहती है, अनुराग जग रहा है तो क्या हुआ, अब आई हूँ तो अनुराग से तो मिलकर जाऊंगी, ऐसे नहीं जाने वाली मैं यहाँ से। उसे अभी उस यक्षिणी की कहानी में से मेरा और युग का नाम हटाने के लिए कहूंगी, वरना उसकी आंखों के सामने उसकी कहानी को फाड़ कर फेंक दूंगी। हमें कोई शौक नहीं है उसकी यक्षिणी की कहानी के किरदार बनने का। यही सब बड़बड़ाते हुए चित्रा अपने कदम आगे बढ़ाती रहती है। जब वो रूम नंबर 666 के पास पहुंचती है तो देखती है कि उस कमरे का दरवाजा पहले से खुला हुआ था। जब वो बाहर से ही कमरे के अंदर झांकती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। चित्रा खुद से कहती है, ये सब फिर से? चित्रा देखती है कि टाइपराइटर के बटन अपने आप ही दब रहे थे और अनुराग वहीं पर बैठकर गहरी नींद में बड़े आराम से सो रहा था, जैसे उसे कोई खबर ही ना हो कि उसके आसपास क्या हो रहा है। चित्रा खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, मैं अमावस्या की रात जब इस कमरे में आई थी उस दिन भी ये टाइपराइटर ऐसे ही अपने आप चल रहा था और आज भी अपने आप ही चल रहा है, आखिर ये चक्कर क्या है? चित्रा बिना वक्त गवाए आहिस्ते आहिस्ते अपने कदम बढ़ाते हुए कमरे के अंदर घुस जाती है और सीधे टाइपराइटर के पास जाने लग जाती है। इस बार जब चित्रा टाइपराइटर के पास पहुंचती है तो वो पहले ही ये फैसला कर लेती है कि इस बार वो टाइपराइटर को नहीं छुएगी, क्योंकि उसे अच्छे से याद था कि पिछली बार जब उसने टाइपराइटर को छुआ था तो उसके बटने उसी वक्त रुक गई थी। चित्रा बड़े ही नजदीक से टाइपराइटर को अपने आप चलता हुआ देखने लग जाती है। अनुराग भी उसके पास में ही था, पर वो इतनी ज्यादा गहरी नींद में था कि उसको कुछ होश ही नहीं था कि चित्रा उसके कमरे में आ चुकी थी और छानबीन कर रही थी। अनुराग का गहरी नींद में सोना लाजमी था, आखिर कुछ देर पहले ही तो वो काला साया बनकर चित्रा और युग पर हमला करके आया था, जिस कारण काली शक्तियों का प्रयोग करने से उसका शरीर थक चुका था और वो गहरी नींद में सोकर आराम फरमा रहा था। चित्रा बड़े गौर से टाइपराइटर को देख ही रही थी कि तभी उसका ध्यान टाइपराइटर के बटनों पर जाता है जिसके अंदर से लाल रोशनी निकल रही थी। चित्रा उस रोशनी को देखते हुए खुद से कहती है, ये रोशनी कैसे निकल रही है इस टाइपराइटर के अंदर से? उस लाल रोशनी को देखकर चित्रा के दिमाग से ये बात निकल जाती है कि उसे टाइपराइटर को हाथ नहीं लगाना था और ना चाहते हुए भी वो उस टाइपराइटर को हाथ लगा देती है। इस बार भी जैसे चित्रा टाइपराइटर को छूती है, टाइपराइटर के बटने दबना अपने आप बंद हो जाती है, टाइपराइटर रुक जाता है और उसी के साथ जो लाल रोशनी टाइपराइटर के अंदर से निकल रही थी वो भी निकलनी बंद हो जाती है। चित्रा खुद से कहती है, ये क्या, ये तो फिर से रुक गया, पर वो लाल रोशनी तो इसी के अंदर से आ रही थी। चित्रा टाइपराइटर के बटनों को बड़े गौर से देख ही रही थी कि तभी उसे ऐसा लगता है जैसे टाइपराइटर के बटनों के पीछे कोई चमकीली चीज हो। चित्रा हैरानी के साथ खुद से कहती है, इसके पीछे क्या है जो ये इतना चमक रहा है? इतना कहकर चित्रा तुरंत उस टाइपराइटर को खोलने लग जाती है। जब वो शहर में थी उस वक्त भी अनुराग के पास टाइपराइटर था। उस वक्त अनुराग ने कई बार चित्रा के सामने ही टाइपराइटर खोलकर उसके अंदर की सफाई की थी। इस वजह से चित्रा को अच्छे से पता था कि टाइपराइटर कैसे खोला जाता था। चित्रा ने सिर्फ अनुराग को देखकर ही वो चीज सीख ली थी। कुछ ही देर में चित्रा उस टाइपराइटर को खोल लेती है और जब टाइपराइटर खुलता है तो चित्रा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जो लाल रोशनी कुछ देर पहले टाइपराइटर के अंदर से निकल रही थी वही लाल रोशनी चित्रा की आंखों की काली पुतली में नजर आने लग जाती है।
एक पल के लिए तो ऐसा लगने लग गया था जैसे चित्रा की आंख की पुतली खुद काली से लाल हो गई हो। चित्रा टाइपराइटर के अंदर रखी चीज को देखते हुए खुद से हकलाते हुए कहती है, ये यक्षिणी के ताज का हीरा है। टाइपराइटर के अंदर कुछ और नहीं बल्कि यक्षिणी के ताज का लाल हीरा रखा हुआ था। उसी की लाल रोशनी टाइपराइटर के अंदर से बाहर निकल रही थी। चित्रा यक्षिणी के ताज में लगे हीरे को अच्छे से पहचानती थी क्योंकि इसी हीरे की उसने एक बार पेंटिंग बनाई थी। सिर्फ हीरे की ही नहीं बल्कि यक्षिणी के ताज की भी। एक बार अनुराग के कमरे की सफाई करते वक्त उसने अनुराग की कहानी की स्क्रिप्ट पढ़ ली थी जिसमें अनुराग ने कौन से किरदार के पास कौन सा हथियार है उसके बारे में लिखा था। वहीं से चित्रा को यक्षिणी के ताज के बारे में पता चला था और उसने उसकी पेंटिंग बनाई, पर फिर उसने खुद अपने हाथ से उस पेंटिंग पर काला रंग पोत दिया था। बाद में अनुराग ने उस पेंटिंग को वैसे ही रहने दिया था और उस पेंटिंग को फ्रेम करके अपने कमरे में टांग दिया था। वो पेंटिंग अभी भी उसी कमरे में टंगी हुई थी जिसे चित्रा हीरे के मिलते ही फिर एक बार देखने लग गई थी। चित्रा उस हीरे को देखते हुए खुद से कहती है, ये हीरा इस टाइपराइटर के अंदर रखा हुआ था और ये टाइपराइटर अनुराग का है। इसका मतलब ये हुआ कि यक्षिणी का हीरा अनुराग के पास था, पर ये हीरा अनुराग के पास कैसे आया? चित्रा का ये सवाल सुनकर युग्मन में सोचने लग जाता है। रतनपाली के बेटे मोहित से माँ, उस कहानी के अनुसार मोहित ने ही यक्षिणी के मिलने के बदले ये हीरा पापा को दिया था और मोहित गांव छोड़कर चला गया था, पर फिर मोहित कभी वापस आया ही नहीं। युग अपना ही दिमाग चलाते हुए खुद से बोल पड़ता है, शायद जब मोहित वापस आया था तब तक पापा को यक्षिणी मार चुकी थी और ना चाहते हुए भी मोहित को ये हीरा भूलना पड़ा होगा क्योंकि वो जानता था कि पापा ग्रेवयार्ड कोठी में रहते थे और ग्रेवयार्ड कोठी हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। वो इस हीरे के लिए कभी भी अपनी जान को खतरे में नहीं डालता। चित्रा एकटक नजर से उस हीरे को ही देखते रहती है। उसके बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि यक्षिणी के ताज का हीरा अनुराग के टाइपराइटर के अंदर क्या कर रहा था। चित्रा के मन में न जाने क्या आता है, उसका मन उस हीरे को छूने का करने लग जाता है और जैसे ही चित्रा उस हीरे को अपने हाथ में लेती है उस हीरे से निकलती लाल रोशनी और तेज हो जाती है और चित्रा को उस हीरे का पूरा इतिहास पता चलने लग जाता है। उसे उस हीरे के अंदर कुछ दृश्य दिखने लग जाते हैं। वो देखती है कि पहले ये हीरा यक्षिणी के पास ही था, उसके ताज में लगा हुआ, पर फिर उसका ताज अघोरी ने अपने छल से छीन लिया और फिर उसके बाद ये ताज लगा दिलीप के हाथ और फिर दिलीप के घर पर रतनपाली और मोहित ने चोरी की। मोहित ने ताज तो अपने बाप को दे दिया पर हीरा अपने पास रख लिया और जब वो शराब पीने ठेके पर गया तो शराब के नशे में उसने ये हीरा अनुराग को दे दिया। अनुराग को इस हीरे के बारे में सब कुछ पता था। उसे पता था कि ये हीरा कितना शक्तिशाली है, पर ये हीरा यक्षिणी के ताज में नहीं लगा हुआ था जिस कारण इसकी बस आधी शक्ति काम कर रही थी जो उस वक्त अनुराग के मेन मकसद को कामयाब करने के लिए बहुत कम थी। इसलिए अनुराग ने इस हीरे को अपने टाइपराइटर में लगा दिया और इसे कुछ इस तरह काली शक्तियों से बांधा कि ये हीरा भविष्य और अतीत में हो चुकी घटना को खुद टाइप करने लग गया। इसी की वजह से जब भी अनुराग अपने हाथ टाइपराइटर पर रखता था और किसी किरदार के बारे में सोचता था ये टाइपराइटर खुद उस किरदार से जुड़े किस्से के बारे में लिखने लग जाता था। यही कारण था कि उसने चित्रा और युग को अपनी कहानी के किरदार बनाए थे ताकि टाइपराइटर उनके अतीत और भविष्य में होने वाली घटनाओं को लिखे। कभी कभी तो अनुराग को टाइपराइटर को छूने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, बस नाम लेने की जरूरत पड़ती थी और टाइपराइटर खुद कहानी लिखने लग जाता था। अनुराग की एक किताब डर के 10 किस्से उसने इसी टाइपराइटर की मदद से लिखी थी। यही कारण था कि उसकी वो किताब इतने कम वक्त में इतनी ज्यादा बिक गई थी और पब्लिशर उससे अगली किताब पब्लिश करने के लिए मांगने लग गया था। चित्रा खुद से कहती है, अब मेरे सब समझ आ गया कि क्यों अनुराग की किताबें इतनी बिक रही थी। असल में जादू अनुराग की कलम का नहीं था बल्कि इस हीरे का था। चित्रा उस हीरे को देखते हुए उसके बारे में कुछ और सोचते हुए कहती है, भले ही इस हीरे की अभी आधी शक्ति काम करती हो पर अनुराग को अंदाजा नहीं है कि इसकी आधी शक्ति से भी ब्रह्मांड पर राज किया जा सकता है। अगर अनुराग को ये बात पता चली तो शायद वो ब्रह्मांड पर राज करने की तैयारी शुरू भी कर दे। आखिर वो भक्षानर का वंशज जो है, भक्षानर यही तो चाहता था और अब तो अनुराग खुद भक्षानर बन चुका है। मैं इस हीरे को वापस यहीं पर नहीं रख सकती, मुझे इसे कहीं और छुपाना होगा, पर अगर मैंने इसे ग्रेवयार्ड कोठी में छुपाया तो अनुराग किसी न किसी तरह से इस हीरे को जरूर ढूंढ लेगा। आखिर वो इस ग्रेवयार्ड कोठी का कोना कोना जानता है, मुझे इसे कहीं और छुपाना होगा। चित्रा सोचने लग जाती है कि वो क्या करे, हीरे को ऐसी कौन सी जगह पर छुपाए ताकि अनुराग की नजर उस हीरे पर ना पड़े।
वो हीरे को ना ढूंढ पाए। चित्रा खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, कहाँ छुपाऊँ मैं इस हीरे को। चित्रा ये सब बड़बड़ाते हुए सोच ही रही थी, उसी वक्त एक तेज हवा का झोंका आता है। वो हवा का झोंका इतना ज्यादा तेज आया था कि चित्रा का साड़ी का पल्लू उड़ने लग गया था, जो सीधे उसके चेहरे पर पड़ने लग गया था। जब चित्रा अपनी साड़ी के पल्लू को सीधा करने के लिए उसे छूती है, तो उसी वक्त उसका दिमाग चलने लग जाता है और उसे एक रास्ता नजर आने लग जाता है। चित्रा खुद से कहती है, हाँ इसे अभी यहीं पर छुपाना ठीक होगा, इसे अभी मैं अपने पास ही रख लेती हूँ, बाद में जब कोई सुरक्षित जगह दिखेगी तब इसे मैं वहां पर छुपा दूंगी। इतना कहकर चित्रा उस लाल हीरे को अपने साड़ी के पल्लू में ही बांध देती है, कुछ इस तरह कि वो हीरा पूरी तरह साड़ी के पल्लू से कवर हो जाता है। उसके अंदर से जो लाल रोशनी निकल रही थी वो भी नजर आनी बंद हो गई थी। अनुराग जो कि अभी भी कुर्सी पर बैठकर गहरी नींद में सो रहा था, चित्रा उसे एकटक देखते हुए कहती है, अनुराग अब ये यक्षिणी का हीरा मेरे पास रहेगा, अब मैं देखती हूँ कि इस हीरे के बिना कैसे ये टाइपराइटर अपने आप चलता है, अतीत और भविष्य की बातें लिखता है। लेखक बनने का बड़ा शौक है ना तुम्हें अनुराग, तो बनो अब लेखक, वो भी अपनी मेहनत से। अब तक तो इस हीरे की मदद से तुमने यक्षिणी की आधी से ज्यादा कहानी पूरी कर ली थी, अब बाकी की कैसे करोगे। चित्रा फिर खुद से बड़बड़ाती है, यक्षिणी का हीरा तो अनुराग से छीन लिया, अब वो काम करती हूँ जिसके लिए मैं यहाँ पर आई थी। अगले ही पल चित्रा सबसे पहले टाइपराइटर को वैसे ही जोड़ देती है जैसे वो पहले था, जिससे अनुराग को पता न चल पाए कि टाइपराइटर खोला गया था और अब उसके अंदर यक्षिणी का हीरा नहीं है। टाइपराइटर को पहले की तरह करने के बाद चित्रा टेबल पर ही रखी यक्षिणी की कहानी की जितनी भी स्क्रिप्ट थी उन सारे पेजेस को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहती है, अनुराग मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, तुमने मेरे बेटे युग पर हमला किया था ना, अब देखो मैं तुम्हारी यक्षिणी की कहानी के साथ क्या करती हूँ। इतना कहकर चित्रा यक्षिणी की कहानी की सारी स्क्रिप्ट